Hello everyone, good morning. Today we will do exercise 1.5 of chapter 1. Okay. Previous videos में हम लोगों ने addition, subtraction और multiplication already कर लिया है. अब आइए इस video में हम लोग क्या करेंगे? Division. तो देखिए, division करना है तो कैसे करोगे ये मैं थोड़ा बता दूं, जिससे आपको इस chapter में बहुत easy लगेगा आगे questions. तो वो क्या करोगे बाबू? तो सेम साइन अगर हो तो आपका आंसर प्लस में होगा. सेम साइन हो कैसे, ये देखिए. अभी आज तक आप लोग ऐसे डिवाइड करते आए थे ना, 27 इज डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 9. इट मींस 27 भी प्लस में है और ये 3 भी प्लस में है. तो प्लस प्लस वाले नंबर को आप डिवाइड करके आंसर भी प्लस में दे देते थे. यानी इससे आप क्या देखे कि सेम साइन है प्लस प्लस, तो आंसर प्लस में आया. एक और चीज, माइनस 27 इज डिवाइडेड बाई माइनस 3 इज इक्वल टू 9 ऑल्सो. यहां भी सेम साइन है ना, देखो ये माइनस 27 माइनस 3, यानी ये भी नंबर माइनस में और ये भी नंबर माइनस में, तो आंसर प्लस में होगा. मैंने क्या बताया, साइन सेम होगा तो आंसर प्लस में होगा. साइन सेम होगा तो आंसर प्लस में होगा. ओके, यही अगर साइन सेम नहीं हो तो क्या होगा? यानी ये देखिए, अगर माइनस 27 को 3 से डिवाइड करना हो तो क्या होगा? देखिए साइन डिफरेंट हो गया, ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो इस नंबर को भी क्या कर देंगे बाबू? माइनस में. ओके, ये देखिए एक और क्वेश्चन, 36 इज डिवाइडेड बाय माइनस 3, देन योर आंसर विल बी माइनस 12. हाउ? तो अब देखोगे ये 36 है ना, 36 प्लस में है और ये 3 माइनस में है, साइन डिफरेंट हो गया, तो आंसर किस चीज में आएगा? माइनस में. और 36 को 3 से डिवाइड करो, साइन पुट करना बाद में, सबसे पहले डिवाइड कर लेना, सोचना कि साइन है ही नहीं कोई प्लस माइनस, एकदम इजीली फ्री माइंड होके ये कैलकुलेशन कर लेना, उसके बाद में साइन लगाने को सोचना. चलो ये 3 है और ये 36 है, डिवाइड करना है ना, तो 3 का टेबल कितने टाइम पढ़ोगे? 3 हो, 1 टाइम. अब 3 का टेबल कितने टाइम पढ़ोगे? 6 हो, 2 टाइम. 12 लिख लिया तुमने, उसके बाद में देखे आप कि ये प्लस में है और ये माइनस में है, यानी डिफरेंट साइन में है. डिफरेंट साइन में आंसर क्या चीज में आएगा? माइनस में. है ना इजी? आइए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. तो बाबू इसका आंसर क्या होगा? ये देखिए, ये नंबर प्लस में है और ये माइनस में है, देन योर आंसर विल बी इन माइनस. ओके, 3 9 27. चलिए ये देखिए, 0 इज डिवाइडेड बाय माइनस 14, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर तो 0 होगा, बट कैसे आइए बताते हैं. 0 को डिवाइड करना है ना, यानी 0 क्या है? डिवाइडेंट है और ये डिवाइजर है. यानी माइनस 14 को डिवाइड करोगे, ये 0 को डिवाइड करोगे माइनस 14 से. तो देखिए यहां अगर माइनस 14 का टेबल मैं 1 टाइम पढ़ता तो माइनस 14 आता, लेकिन अगर मैं माइनस 14 का टेबल 0 टाइम पढ़ूं तो 0 आएगा ना, और ये कट गया, यानी आंसर क्या आया? 0. समझ में आया? लेकिन यही अगर बोला जाता कि माइनस 14 को आप डिवाइड करो 0 से, देन योर आंसर विल बी अनडिफाइंड, यानी ये डिफाइंड ही नहीं होगा इसका आंसर. इसका आंसर आप नहीं निकाल सकते. क्यों? ये देखिए, माइनस 14 को डिवाइड करना है 0 से. बाबू 0 का टेबल आप पढ़ सकते हो क्या? 0 1 0 0 2 0, ये पढ़ ही नहीं सकते टेबल ना. इस 0 का टेबल 0 टाइम पढ़ के कैसे इसको कटा लोगे? कटेगा क्या कुछ? मैंने इस 14 का टेबल तो 0 टाइम पढ़ के मैंने 0 लाया और 0 से 0 कैंसिल किया, लेकिन इसका तो हो ही नहीं सकता है, इसलिए अनडिफाइंड. आप समझ गए, दोनों केस अपोजिट है. ठीक है, जब 0 डिवाइडेंड होगा तो इसका आंसर 0 है, पॉसिबल हो सकता है, लेकिन अगर 0 डिवाइजर हो तो आंसर 0 नहीं हो सकता. ओके, आइए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. बच्चों ये हमें इस क्वेश्चन में वेरीफाई करना है, a डिवाइडेड बाई बी प्लस सी इज नॉट इक्वल टू a इज डिवाइडेड बाई बी प्लस ए डिवाइडेड बाई सी. हेयर a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू माइनस 6 एंड c इज इक्वल टू 4. ये वैल्यू पुट करके और हमें इस
स्टेटमेंट को ये जो चीज दिया हुआ है इसको वेरीफाई करना है कि ये ऐसा सही है कि नहीं। चलिए इधर ए का वैल्यू कितना है बाबू, 10 और डिवाइडेड बाय बी का वैल्यू -6 एंड प्लस सी का वैल्यू 4 इज नॉट इक्वल टू ए का वैल्यू 10 डिवाइडेड बाय बी का वैल्यू -6 -6 और प्लस ए का वैल्यू 10 डिवाइडेड बाय सी का वैल्यू 4 या फिर इसको स्मॉल ब्रैकेट में भी हम लोग कर सकते हैं। चलिए इसको अब करना है ना, तो 10 डिवाइडेड बाय ये बताइए बाबू, ये है -6 ये है +4 यानी साइन डिफरेंट है, साइन डिफरेंट है तो क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे यानी बड़े वाले नंबर में से छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट करोगे, 6 में से 4 माइनस करोगे तो 2 होगा ना, और साइन बड़े वाले नंबर का साइन लगाते हैं तो 6 पे है माइनस तो इसलिए इसको माइनस लगाएंगे। ओके अब आइए इज नॉट इक्वल टू, यहां देखिए ये है डिवाइड करोगे ना, 10 को डिवाइड करोगे -6 से, ठीक है तो चलो इसको करते हैं, 10 बस ऐसे ही लिख लो और डिवाइडेड बाय -6 और इसको क्या कर लोगे वेट और ये आपने नोट कर लिया, फिर प्लस इसको डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 4 का टेबल कितने टाइम पढ़ोगी, 10 होगा तो 2 टाइम पढ़ोगी तो 8 होगा ना, 8 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर लोगे, सॉरी 10 में से 8 सब्ट्रैक्ट करोगे 2 बचेगा, पॉइंट दोगे तो 2 पे 0 चला जाएगा, 4 का टेबल 5 टाइम पढ़ोगे यानी यहां हो गया 2.5। इसको आप सोल्व करोगे तो ये देखिए डिवाइड करना है, इधर ये प्लस में और ये माइनस में यानी आंसर आपका माइनस में आएगा, -5 इज नॉट इक्वल टू। चलिए ये देखिए आप डिवाइड को किस फॉर्म में लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो ना, 10 बाय -6 लिख सकते हो प्लस ये 2.5 ये इधर कुछ नहीं है नीचे में तो 10 कर सकते हो ना, तो हो गया 25/10। चलिए अब इधर इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं, मैं कर दूं। ओके स्टूडेंट ये मैंने यहां तक सॉल्व कर दिया, अब आप जल्दी से देख लो इसको कैसे करोगे। ओके देखिए यहां तक तो हम लोगों ने कर दिया, ये -6 +4 ये करोगे सॉल्व तो प्लस माइनस माइनस यानी सब्ट्रैक्ट करोगे, डिफरेंट साइन है ना तो सब्ट्रैक्ट करोगे, 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट करोगे 2 और उसके बाद में बड़े वाले साइन का नंबर का साइन लगा देते हैं तो ये -2 इज नॉट इक्वल टू, ये डिवाइड करोगे और ये तो ऑलरेडी डिवाइड किया हुआ है 2.5, ठीक है अब यहां देखिए इसका करोगे तो -5 इज नॉट इक्वल टू, यहां देखिए इसको 10 इज डिवाइडेड बाय -6 इसको हम लोग 10 बाय -6 के फॉर्म में लिख सकते हैं, प्लस है तो प्लस दिया, 2.5 है तो 2.5 को आप डेसिमल हटा के नीचे में बाई 10 कर सकते हो। ओके अब चलिए इसको अगर आप सोल्व करोगे तो फ्रैक्शन वाला ऐड है जो आप इजीली करते हो, इसके लिए क्या करना होगा, -6 और 10 का एलसीएम निकालोगे तो -30 आएगा और फिर फ्रैक्शन वाला ऐड की तरह इसको सोल्व करोगे तो इधर हो जाएगा -25/-30 तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये देखिए ये प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया यानी न्यूमिरेटर कम डिनोमिनेटर ज्यादा, तो प्रॉपर फ्रैक्शन का वैल्यू 1 से कम होता है, इधर देखिए 1 से कम होता है लेकिन ये प्लस में है क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो प्लस में है और ये नंबर माइनस में है तो ये आप लोगों ने देख लिया ना कि ये इक्वल नहीं है। ओके आइए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं।